हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.6। द सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एज इट इज वही बोला कि एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं हम। क्या बोला है? एन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल मुझे गिवन है। इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल एबीसी इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल बी है, एबीसी मतलब एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री। लास्ट में क्या था, एबीसी ग्रेटर देन 90 था, ठीक है। अब ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री दिया हुआ है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, और मुझे गिवन है कि एडी जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। एडी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मुझे, कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर दिस वन इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी डी। यानी थोड़ा सा चेंज आया किसका, इस नेगेटिव साइन का, बाकी पूरा क्वेश्चन मेरा सेम है। चलते हैं प्रूफ पे। एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। सबसे पहला काम, एक साइड निकालनी है मुझे, तो यह आसान रहेगी मेरे लिए, तो ये निकालता हूँ एसी, एसी स्क्वायर। देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल में एसी स्क्वायर यहां से निकालूंगा, तो ये मेरी पूरी ट्रायंगल, यानी मैं ट्रायंगल लूंगा ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी क्या है मेरा, 90 डिग्री। एंगल डी क्या है, 90 है, क्यों है, बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये मुझे गिवन है। ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये एंगल क्या है मेरा, 90। अगर ये 90 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 है तो इसके सामने क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, बाकी दो साइड यानी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इतना आ गया। इतना आने के बाद देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बी सी चाहिए, मुझे ए बी चाहिए, बी सी बी डी, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। क्या मुझे डी सी चाहिए कहीं पे भी, मुझे डी सी नहीं चाहिए। ये ए सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो मेरा प्रूफ का पार्ट है, तो इसका कुछ चेंज नहीं कर सकता। इस ए डी का मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। बाकी बचा मेरे पास ये डी सी, इस डी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे में से ये मेरा पूरा क्या है, बी सी है। अगर इस बी सी में से मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट यानी बी डी वाला पार्ट हटा दूँ, BD वाला पार्ट मैं निकाल दूं यानी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, DC। तो क्या इस DC को मैं लिख सकता हूं कि BC, ठीक है, ये पूरा BC होगा, तो इस BC में से क्या निकाल दूं मैं, ये BD निकाल दूं। इस पूरे में से मैंने ये BD निकाल दिया, माइनस BD निकाल दिया, तो क्या बचा मेरे पास, दिस इज DC। तो मैं इस DC को क्या लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज BC माइनस BD होल स्क्वायर, तो एज इट रहेगा, दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ए सी स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ये मेरा एज इट इज रहेगा। ए डी स्क्वायर एज इट इज, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर से मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है। तो एज इट इज लगाते हैं, ए स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी डी का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी मीन्स बी सी इंटू बी डी, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मुझे बी सी स्क्वायर चाहिए, मिल गया, ये भी मुझे चाहिए, मिल गया, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए। तो अब अगर मैं ये वाले ट्रायंगल लूँ, ये साइड वाले ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगेन एंगल डी मेरा क्या है यहाँ पे, 90 है, ए बी डी ये भी तो 90 होगा, अगर ये 90 है तो, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 90 के सामने क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज, यानी दिस इज ए बी स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, बाकी दो साइड कौन कौन सी बची, ए डी बचा, ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी डी स्क्वायर, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, क्या मिल रहा है हमें, देखो देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरी कौन सी है, ये वाली, ठीक है।
तो यहां से मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं इज इक्वल टू। मुझे ए डी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बी डी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का सम क्या है ए बी स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम टू, तो मैंने बोला फ्रॉम वन एंड टू, तो टू का मैंने यूज क्या किया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। बाकी क्या बचा मेरे पास, बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी। क्या मुझे ये प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी। ये क्या होगा मेरा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल सा था, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, या तो हमें जो एक साइड चेंज करनी है वो दो साइड्स को ऐड करके मिलेगी, या फिर दो को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, बस ये दो प्रोसेस हमें लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।